गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज है अष्टमी, आज है शनिवार और मैं यहाँ पे बना रही हूँ हलवा पूजा करने के लिए। मैं व्रत नहीं रखती हूँ लेकिन मैं पूजा करती हूँ, तो यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ सूजी का। जब मैं भोग का खाना बनाती हूँ या फिर ना ऐसे कुछ बनाती हूँ प्रसाद वसाद, तो मैं जो वाली शुगर है जो डेली में चाय चीनी काम में लेती हूँ, उस वाले शुगर के डब्बे में से नहीं डालती हूँ। जो बड़ा डब्बा है जिसके अंदर सारी शुगर रखी रहती है उसमें से लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शुगर भी ऐड कर दिया है, पानी भी डाल दिया है और मैं अंदाजे से बनाती हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह पानी जाएगा। और वैसे इसके अंदर जितना सूजी होती है ना उसका 4 गुना पानी डालते हैं और चीनी उसकी डबल डालते हैं। यहाँ पर मैंने इलायची है उसको भी मैंने कूट लूँगी और उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इलायची का फ्लेवर काफ़ी अच्छा सा जाता है, तो आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, नारियल का वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह बस अब जल्दी जल्दी से बस इतना जितना हो रहा है उतना। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज कुछ तो है स्पेशल। एक्चुअली एक औरत का 3 बार जन्म होते हैं, एक जब वो जन्म लेती है और एक बेटी और बहन के रूप में अपना जीवन जो है वो जीती है। उसके बाद में उसका दूसरा जन्म होता है जब वो उसकी शादी होती है, तो उसको नई फैमिली मिलती है, सब चीज़ नया घर मिलता है, सब चीज़ उसके लिए नई होती है, तो उसका दूसरा जन्म माना जाता है। उसके बाद में तीसरा जन्म वो होता है जब वो पहली बार माँ बनती है और मौत के मुंह में जाकर के एक ज़िंदगी को लाती है। तो 3 जन्म होते हैं एक औरत के। तो आज है उसी में से मेरा दूसरा वाला जन्म का हैप्पी बर्थडे, मतलब कि तो आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मतलब आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैं जो भी मुझसे बड़े हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं और डेली बेसिस पर मुझे देखते हैं, तो उन सभी को मेरी साइड से नमस्कार और प्रणाम। और सेकंड जो मुझसे छोटे हैं उन सबको बहुत सारा प्यार, और जो मेरी सेम एज के हैं उनको भी बहुत सारा प्यार। तो आजकल अब तो गर्मियाँ सी आने लग गई है, मुझे तो एक मैंने तो बिल्कुल स्वेटर वेटर नहीं पहना है और ब्लाउज है ना मैंने इसका नहीं पहना है, इसके अंदर ना ऐसे पिंक कलर का ब्लाउज है तो पर वो स्टिच होकर नहीं आया। इसकी स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक्चुअली ये साड़ी मेरी नहीं है, मम्मी की है और मैंने आज कुछ पहनी भी इसलिए है कि एक वो होता है ना कि बड़ों का आशीर्वाद स्वरूप मैंने पहनी है ये साड़ी, पहली बार ही पहनी है मैंने। वैसे आज दोनों कुकर को यूज़ करके खाना बना रही हूँ, एक में दाल बन रही है एक में चावल बन रहा है। मुझे जयपुर वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि जयपुर में ऐसे ही बनता है, एक में दाल एक में चावल। और यहाँ पर मैंने एक तेल में ना मैं वो छोकूंगी दाल को, तो यहाँ पर उससे पहले मैंने थोड़ी सी मिर्ची 4-5 मिर्चियों को तल लिया है। इनको ऐसे तल करके मिर्ची निकाल के रख लो ना तो अच्छी लगती है इनको बहुत, तो इन मिर्चियों को मैं इनके लिए तल लिया है। और यहाँ पर मैंने तेल को गैस को बंद कर दिया था क्योंकि तेल ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि बंद कर दो तो मैंने बंद कर दिया था। यहाँ पर मैंने जीरा डाला है और राई डाली है। जीरे और राई के अंदर मैं जो अरहर की दाल होती है उसे छोंकती हूँ, और जो ये मिर्ची है इसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, अगर आपकी मिर्ची तीखी नहीं है तो नहीं तो अवॉइड कीजिए, और नमक डाल करके और इनको हाथ से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह से जो मिर्ची बन के तैयार होती है ना इतनी यम्मी लगती है, कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या फिर आप करते हो तो बताइएगा कि हाँ आप लोग भी करते हो। तो यहाँ पर मैंने जो दाल को चढ़ा रखी थी उसमें मैं अब ये प्याज डाल दूँगी, तो मैंने एक प्याज डाला है छोटा सा, ज़्यादा दाल नहीं बना रही हूँ थोड़ी सी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी कट करने लग गई हूँ, तो जब तक प्याज होंगे इतनी देर में टमाटर भी कट के तैयार हो जाएंगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, प्याज उसी कटोरी में, मतलब ज़्यादा बर्तन ना हो इस तरह से काम करने की कोशिश करती हूँ। चावल भी तैयार हो गए हैं, देखिए
और मिर्ची भी तैयार हो गई करके और तो लीजिए तैयार है आज की सिंपल सी थाली जिसके अंदर मैंने आज बनाया दाल चावल, हरी मिर्ची को छोक लिया था वो है, और फिर कल की मेरी गाजर मोगरी और आलू की सब्ज़ी रखी है, रोटी। तो ये है आज की हमारी वेडिंग एनिवर्सरी स्पेशल सिंपल सी थाली, लंच थाली। तो ये तो चले गए हैं खाना वगैरह खा करके, और मैं वेट ही कर रही थी कि ये खाना खा करके जाएं और मैं अपना केक बनाने लगूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन्हें सरप्राइज़ दूं कि केक बना रही हूं और इन्हें सरप्राइज़ दूं रात को जब ये लौट करके आए। तो मैंने यहाँ पर ना बिस्किट रखे थे मेरे पास 2 पैकेट, तो उसी का बनाया, तो ज़्यादा तो नहीं बन पाएगा फ्लफ़ी क्योंकि 2 ही पैकेट हैं, कम से कम 4 पैकेट तो होने ही चाहिए तब बिस्किट का सबसे छोटा वाला जो केक बनता है वो बनता है। तो यहाँ पर मैंने 2 बिस्किट के पैकेट लिए थे और उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है। आप हाथ से क्रश मत कीजिएगा, हाथ से क्रश नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैंने ऐसे ही हाथ से क्रश कर लिया था, मुझे लगा कि चलो हाथ से क्रश कर लेते तो वो स्मूथनेस नहीं आएगी, केक तो बन जाएगा लेकिन स्मूथनेस नहीं आएगी, तो जो वेलवेटी केक बनता है ना वो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर फिर मैंने दूध डाल करके पहले पीस लिया, फिर उसके बाद में मैंने दूध डाला और फिर मैंने पीस लिया। यहाँ पर मैंने ये बेकिंग सोडा डाला है और साथ में 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध डाल करके बेकिंग सोडा के अंदर, और फिर इसको वापस से मैं फेंटूंगी। फेंटना हमें एक ही डायरेक्शन में है और दूसरी डायरेक्शन में नहीं फेंटेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एयर्स बनती है ना वो एयर्स जो है वो हट जाती हैं अगर हम दूसरी डायरेक्शन में मोड़ते हैं। तो एक डायरेक्शन में हमको मोड़ना है और दूध हमें इस हिसाब से डालना है कि इसकी जो टेक्स्चर है वो थोड़ा सा जैसे कागज नहीं होता है बिल्कुल वैसा वाला हो जाए। तो जैसे आपने अगर जैसे 2 कटोरी कप वो लिया है बिस्किट, तो आप उसके अंदर 1 कटोरी दूध डालिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करके, और यहाँ पर मैं अगर आपके पास ऐसा स्टैंड है और वो कुकर में आ जाता है तो वो आप डालिए, लेकिन मेरा नहीं आएगा इसलिए मैं यहाँ पे कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुकर के अंदर कटोरी भी रख दी है और उसके ऊपर मैंने ग्रीस किया हुआ जो मेरा था एक बर्तन ले लिया था, टिफ़िन है मेरा एक्चुअली, तो उसी में मैं बनाती हूँ केक वगैरह क्योंकि उसमें मेरा अच्छा बन जाता है। और तो यहाँ पे मैंने उसको रख दिया है ग्रीस करके, उसके अंदर डाल लिया था बैटर को, और फिर उसको मैंने कुकर के अंदर रख करके और बंद कर दिया। सीटी हमें निकाल देनी है क्योंकि हमें सीटी नहीं लेनी है, अगर हम सीटी लेंगे ना तो फिर वो पूरा केक ही उछल उछल के पूरा कुकर ख़राब कर देगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से रख करके, और बिल्कुल धीमी आँच पर नहीं तो जल जाएगा। कटोरी भी हमने इसलिए रखी ताकि डायरेक्ट आँच ना लगे, तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख करके हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए ढक करके बनाएंगे। तो 20 से 25 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे। तो इसको तो इस गैस पे बनने देते हैं धीमी आंच पर, और दूसरी गैस पे मैंने जब तक कि मैं बैटर वैटर तैयार कर रही थी देर में मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो मैंने मेरी चाय बन करके तैयार हो गई है, ये बनेगा इतने हम लोग अपनी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी और हर्षित की चाय बनाई है, तो वो शाम के टाइम में चाय पीता है, उसको आदत है चाय पीने की, मतलब कहते हैं ना बच्चों को नहीं देनी चाहिए लेकिन हर्षित पीता है, और साथ में खा रहे हैं ये वाले बिस्किट। तो चाय पी उसके बाद में कपड़ों को फोल्ड किया है, इतनी देर में मेरे ये हो गए हैं 15 से 20 मिनट हो गए थे मेरे, तो ये 20 मिनट में नहीं हुआ था, मैंने खोलकर देखा था बीच में, तो फिर उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट और रखा और उसके बाद भी मैंने इसको बंद ही रहने दिया, मैंने खोला नहीं क्योंकि अंदर भाप होती है ना उसमें भी थोड़ा सिक जाएगा। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं एक बार निकालने से पहले, तो मैं नाइफ़ से चेक कर रही हूँ, अगर ये क्लियर निकल आया तो समझिए कि बन गया, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए क्लियर निकल आया है, मतलब कि ये बन करके तैयार हो गया है। तो कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि ना बीच में से कच्चा रह जाता है, तो बीच में से कच्चा तभी रहता है जब आप उसको अच्छे से फेंटते नहीं हैं। एक दूर का घूमता भी मैं होगा, हटो नहीं प्लेट उड़ जाएगी, प्लेट नहीं तोड़नी है।